मोहाली के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में पुलिस की पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। पुलिस की पूछताछ में वीडियो बनाने वाली आरोपी एमबीए की छात्रा ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस आरोपी लड़की, उसके बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसके दोस्त रंकज वर्मा को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शनिवार रात से ही बवाल शुरू हो गया था। जैसे ही ये खबर आई कि हॉस्टल की एक लड़की ने कई लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है, कई तरह की अफवाहें भी फैल गईं। छात्र और उनके परिजन बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा से पूछताछ के बाद उसके कथित बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसके दोस्त रंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी 7 दिनों की पुलिस रिमांड में हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपी छात्रा ने कई राज खोले हैं। पुलिस ने आरोपी छात्रा का व्हाट्सएप चैट रिकवर किया है। छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड सनी का नाम मोहित के नाम से सेव किया था। दोनों की चैट होती है। पुलिस ने इस चैट को बरामद किया है। इस चैट में लड़की कहती है, आज तो तूने मरवा दिया। इस पर सनी पूछता है, क्यों? इस पर आरोपी छात्रा कहती है, आज एक लड़की ने वीडियो बनाते देख लिया। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सनी लिखता है, सारे मैसेज, लड़कियों के फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। बता दें कि पुलिस को आरोपी लड़की के फोन से 12 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। इनमें से ज्यादातर वीडियोज लड़की के खुद के हैं। कुछ और भी वीडियोज हैं, लेकिन उनमें किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने पुलिस को बताया कि पहले सनी ने उसका वीडियो मंगाया। इस वीडियो के आधार पर ही सनी और उसका दोस्त रंकज वर्मा लड़की को ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने लड़की पर दबाव बनाया कि वो बाकी लड़कियों के वीडियोस बनाकर भेजे, नहीं तो वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लड़की के बयान के मुताबिक वह इसी डर से सनी और रंकज को बाकी लड़कियों के वीडियो भेजने लगी। पुलिस ने लड़की का लैपटॉप जब्त कर लिया है। इसके अलावा सनी और रंकज का मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद इस मामले में कुछ और खुलासे होने की उम्मीद है। एमएमएस कांड में उठ रहे हैं ये सवाल, क्या आरोपी लड़की वाकई ब्लैकमेल का शिकार हुई? क्या ये तीनों आरोपी किसी बड़ी साजिश, किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है? गुजरात और मुंबई से आरोपियों को फोन कौन करता था? आरोपी लड़की के फोन में बाकी लड़कियों के वीडियो मिलना भी पुलिस के उस दावे पर सवाल उठाता है जिसमें कहा गया था कि लड़की के फोन में मिले सारे वीडियो खुद उसी के हैं। इस मामले में अभी और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। हम इस मामले की हर अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत डिजिटल।